गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मिक्स फीस चैनल। और आज हम निकल पड़े हैं, कहाँ जाना है? वडोदरा। हेलो, वेलकम टू मिक्स फीस चैनल। आज हम निकल पड़े हैं वडोदरा, वहाँ से हम जाने वाले हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, बांद्रा रेलवे स्टेशन जो मुंबई महाराष्ट्र में है। और हम फिर 5 बजे की ट्रेन पकड़ के सुबह 11 बजे वडोदरा पहुँचेंगे। तो मिलते हैं रेलवे स्टेशन पर। सुबह के 4 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना क्राउड है। ऐसा लग नहीं रहा कि ये 4 बजे का टाइम है। सुबह के 11 बज चुके हैं और हम पहुंच गए हैं वडोदरा। अब हम जाएंगे चेकिंग करने और आज ही घूमना स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो। सराउंडिंग यहाँ का बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, अच्छे से क्लीन रखा हुआ है। यहाँ पर आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं। यहाँ का नारियल पानी भी बहुत स्पेशल है, बहुत ही स्वीट है और सिर्फ 20 रुपीज़ में है। ये सूरसागर लेक है। हम यहाँ पर स्पेशल विज़िट करते नहीं आए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चालू है, पर आप रात को आ सकते हैं, यहाँ का मज़ा ले सकते हैं, लाइटिंग वगैरह। अभी हम यहाँ पे जाके देखने वाले हैं बड़ौदा म्यूजियम, क्योंकि वो अभी 5 o'clock को बंद होने वाला है। तो अभी हम वो देख के जाएंगे और उसके बाद वापस हम आएंगे यहाँ पर 4 बजे, क्योंकि 4 बजे सयाजी बाग का जू स्टार्ट होता है। तो मिलते हैं आपको अभी बड़ौदा म्यूजियम में। मैं सजेस्ट करूंगी कि म्यूज़ियम देखने के लिए थोड़ा जल्दी आए, क्योंकि म्यूज़ियम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और ऑलमोस्ट 1-1.5 hours लग जाता है पूरा कंप्लीट करने के लिए, अच्छे से देखने के लिए। वेलकम बैक, आज है 5th का सेकेंड डे और हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी देखने के लिए हम एक्चुअली आए थे।
डे था, हम गए थे मकरपुरा पैलेस जहाँ पर हमें वो नहीं देखने मिला। उसके बाद हम गए थे बड़ौदा म्यूजियम जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही एंटिक चीज़ें थी वहाँ। यहाँ स्टेशन के पास में बहुत सारा स्ट्रीट फूड है, मैंने तो यही एंजॉय किया है। होटल का खाना एक दिन खाया, मुझे पसंद नहीं आया। और वडोदरा से हम निकल पड़े हैं द स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। हमने स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में दो टिकट्स बुक की थी, दो सीट्स बुक की थी, और यहाँ पर पहुँचने के लिए हमें 2 घंटे लगे हैं। आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं और दूर से ही हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखाई दे रही है। दिखाई नहीं देखो मुंडी दिख रहा था। अब हम जा रहे हैं व्यूइंग गैलरी देखने के लिए, पर पता नहीं हमें अंदर अलाउ करेंगे कि नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी बना लेट है। अगर आप आते हैं तो प्लीज टाइम पर आए खाना, हमें तो पता नहीं है। हम व्यूइंग गैलरी के अंदर है, एक्चुअली मेरा व्यू बक गया है, मुझे लगा था कि व्यूइंग गैलरी इज हम स्टैचू के अंदर जाएंगे पर हम ऊपर से देखेंगे, बट वो सब गलत था। व्यूइंग गैलरी एक्चुअली ये है। मैं वापस एक बार उल्लू बक चुकी हूँ क्योंकि एलिवेटर से हमें स्टैचू के अंदर से जाना है। सरप्राइज सरप्राइज, हम अभी व्यूइंग गैलरी जाने वाले हैं स्टैचू के अंदर से। ऊपर से व्यू देखेंगे क्या होता है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बने रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ से हम जाने वाले हैं ऊपर। बाय। हे भगवान, बहुत बड़ी लाइन है। आप चाहे तो एक्सप्रेस टिकट ले सकते हैं क्योंकि लाइन तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। सोच रही हूँ जाऊँगी नहीं जाऊँ, हम तो बहुत ही होंगे, लाइन कुछ ज़्यादा ही बड़ी से बड़ी है। चलिए लाइन लगाओ, बहुत टाइम पास होने वाला है यहाँ पर। अगर आप आना चाहें तो मुझे लगता है आपको मॉर्निंग 9 to 8 से कुछ जो है वो वाला टिकट बुक करना चाहिए, कुछ नोट बुक करना चाहिए। व्यूइंग गैलरी के नीचे आपको यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर गैलरी है, वो सब देखने मिल जाएंगी। यहाँ पर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, कुछ इस तरह की आप रीड कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अभी हमारे साथ एक थोड़ा सा ट्रैजेडी हो गया, हम एक्चुअली लेट आए थे तो हमें एंट्री नहीं मिल रही है, तो लेट्स सी हम वेट करने वाले हैं।
आपको सजेशन है कि आप लेट ना आए क्योंकि आपकी एंट्री नहीं मिलती है यहाँ पर। अब क्योंकि मुझे एंट्री मिल नहीं रही है तो सोच रही हूँ बस घूमू यहाँ पर, देखूँ क्या है। हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है क्योंकि पूरा दिन हमें यहाँ पर ही निकालना है। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग साइट्स पर जाना है पता नहीं, और हमारी वापस रिटर्न बस भी है क्योंकि हम बस से आए थे, उसका टाइमिंग होता है। अगर वहाँ पर लेट गए तो आज तो हम घर नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो लास्ट बस है वापस। थिएटर है पता नहीं क्या है, इसमें हम जाने वाले हैं इसमें और देखते हैं क्या है। कोशिश करूंगी आपको दिखाऊं या फिर आप वापस खुद आना और देखना इसमें क्या होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी का व्यूइंग गैलरी हम देखकर आ गए हैं। व्यू आपको मैंने आपको दिखा दिया है व्यू जो है ऊपर से। अब हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और जल्दी जल्दी भाग भाग के बाकी सारी साइट कंप्लीट करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। अब हम मोस्ट प्रोबेबली जाने वाले हैं खलवनी और जर्मनी टूर पे, जो एक बस है। बस में से बस हमें घुमाएगी 4-5 साइट्स पर। हमने थिएटर नहीं देखा, यहाँ का थिएटर देखना तो भूल ही गए। आपको मैं थिएटर दिखा देती हूँ जो है। स्टोरी बताई जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको। यहाँ पर इस तरह से बैठना है और और ये हम निकल गए हैं। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी का सफर हमारा, ये जो टूर है स्टैचू ऑफ यूनिटी का, वो ख़त्म हो गया है। अब हम खलवनी और जर्मनी के टूर पर जा रहे हैं। लेट्स मीट यू देयर, बाय बाय। बहुत ही मेहनत के बाद हम लाइन लगानी पड़ती है बस मिलने के लिए। ये रात का व्यू है, इस तरह से दिख रहा है, सनसेट हो चुका है।